उत्तर प्रदेश से बाहर भी सपा बसपा की दोस्ती बढ़ती ही नजर आ रही है और ये दोस्ती पूरे देश के अंदर नजर आने वाली है। हम आपको बता दें कि यह गठबंधन इतना जोरों पे चल रहा है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आपस में मिलके चल रही है। दोनों दलों का मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के गठबंधन का फैसला विपक्षी एकजुट के लिए एक और झटका हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में सपा बसपा का मजबूत गठबंधन होने से बसपा अपने सियासी गठबंधन का विस्तार उत्तर प्रदेश से बाहर करने का ऐलान करके कांग्रेस को नया झटका दिया है। सपा बसपा इस कदम को उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा और राजनीति मैदान में उतारने की कांग्रेस की रणनीति का जवाब भी माना जा रहा है। प्रियंका गांधी को कहीं नहीं बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि अब दोनों गठबंधन एकजुट हो गए हैं। हम आपको बता दें कि प्रियंका के आने के बाद कांग्रेस के कैडर की उत्तर प्रदेश में बड़ी सक्रिय उत्साह की वजह से सपा बसपा असहज बताई जा रही थी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनुप्रिया पटेल के अपना दल महान दल और जैसे दलों के साथ चुनावी तालमेल की प्रियंका के प्रयास भी सपा बसपा की चिंता का सबब बन रहे हैं। मध्य प्रदेश उत्तराखंड और सपा बसपा की पहली बार हुई दोस्ती पर कांग्रेस में औपचारिकता रूप से अभी कुछ नहीं कहा, मगर अंदरूनी तौर पर कांग्रेस इन दलों के दाव के सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाने के कदम के रूप में देख रही है। पार्टी रणनीतिकारों का अनुसार मध्य प्रदेश उत्तराखंड में शायद माना जा रहा है कि वहां पे भी बसपा और सपा दोनों का मजबूत गठबंधन कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोगों की गिनती भी वहां पे बहुत अच्छे से मानी जाती है। इस मजबूत गठबंधन को देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को इसलिए फायदा मिल जाता था क्योंकि सपा और बसपा एक मजबूत पार्टियां थी और एक दूसरे की वोट काटकर कांग्रेस और बीजेपी को फायदा मिल जाता था, लेकिन अब एससी एसटी ओबीसी के लोग सभी बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं और उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट मन में सोच लिया है कि उनको कहां देना है और इस गठबंधन की ताल को देखते हुए लोगों के चेहरों पे उत्सुकता नजर आ रही है और आने वाले टाइम के अंदर लोग बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं क्योंकि ये गठबंधन कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फायदा देके जाने वाला है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।